सन्नयोगिक और शांत जीवन का लक्ष्य हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे ऐसे अचल अडोल एक स्थिति बनाना ही है। ऐसी एक स्थिति, अचल अडोल स्थिति बनाने का कोई राज क्या है, इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श हम करने जा रहे हैं। इससे अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए पहली बात है एकांत में बैठकर हमें आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास बहुत रुचि से करते रहना जरूरी है। क्योंकि हम बाबा के पास आए हैं अपने ही कैरेक्टर की बिल्डिंग, 21 मंजिल की, 21 जन्मों की बनाने के लिए आए हैं। इतनी ऊंची और सुंदर बिल्डिंग बनाने आए हैं, उसका फाउंडेशन है आत्म अभिमान स्थिति पक्की करना। तो फाउंडेशन पर जब हम काम करते हैं, अभ्यास करते हैं, और इधर उधर थोड़ा सा हमारा ध्यान जाता है, तो माया उसमें संशय का बॉम्ब रख देती है। और जब संशय का बॉम्ब होता है, गिर जाती है। पूरे नीचे के साथ छवि है। इसी संदर्भ में अंगद का उदाहरण भी देते हैं। जब अंगद रावण के दरबार में बैठा, तो रावण पैर उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन पैर को वो हिला नहीं सका, उठा नहीं सका। उसका नाम क्या था? अंगद, अर्थात अंग, जिसने अंग को भुला दिया। आत्म अभिमान स्थिति में पक्का हुआ, स्थित हुआ, उसका बुद्धिमान यादगार है। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास हमें विधि पूर्वक करते रहना जरूरी है। विधि बड़ी सरल है। एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से आत्मा को देखना जरूरी है। देखने के बाद उसमें स्थिर होते रहें, एक एक गुण की बहुत अच्छी तरह से अनुभूति करते रहे। आत्मा के जो निजी 7 गुण हैं, उन गुणों का एक के बाद एक का बहुत सुंदर अनुभव करते रहे, तो आत्मा का प्रकाश, आत्मा का जो आभा मंडल है, वो विशाल बनता जाएगा। बाबा हर मुरली में आत्मा के अभ्यास पर जोर देते हैं। स्वयं को आत्मा समझो, आत्मा समझो। क्यों बाबा? भगवान आत्मा में कूट कूट कर भरा पड़ा है, उसको हमें हटाना है। और 21 जन्म तक नेचुरल आत्मा का भान रहे, उसको हमें जुटाना है। इतना बड़ा होमवर्क हमें पूरा करना है, समय बहुत थोड़ा हमारे पास।
पास हैं, इसलिए ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से लेकर अंतिम दिन तक इस अभियान